अब चुनाव से अलग एक बेहद अहम खबर। जी हां, फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान की गाड़ी और फार्म हाउस पर हमले का बड़ा प्लान बनाया था और हमले में AK-47, AK-92 और M16 जैसे बड़े हथियारों के इस्तेमाल का भी प्लान था। खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ये बड़े हथियार पाकिस्तान के एक बड़े हथियार डीलर से ऑर्डर करने वाले थे और इस मामले में नवी मुंबई पुलिस ने सलमान खान का पनवेल फार्म हाउस की रेकी करने के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो 4 आरोपियों की अहम गिरफ्तारी, ये सबसे बड़ी खबर। फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। नवी मुंबई से लॉरेंस गैंग के 4 शूटर गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। आपको याद भी होगा कि कुछ दिन पहले ही सलमान खान के बंगले पर सुबह के 4 बजे फायरिंग की गई थी जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और वो पूरा मामला भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ा हुआ था। और अब सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सलमान खान को मारने की साजिश थी, हालांकि अब पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ की जा रही है। सलमान खान को जान से मारने की साजिश नाकाम। नवी मुंबई पुलिस ने 4 शूटरों को किया गिरफ्तार। सलमान के पनवेल वाले फार्म हाउस के पास गिरफ्तारी। सलमान खान को जान से मारने की साजिश रचने के आरोप में नवी मुंबई पुलिस ने 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है। इन 4ों की गिरफ्तारी शुक्रवार रात में सलमान के पनवेल फार्म हाउस के पास उस वक्त की गई जब वो सलमान पर हमले की फिराक में थे और मौके का मुआयना कर रहे थे। 4ों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर हैं। इन 4ों शूटरों के नाम धनंजय सिंह, तपे सिंह उर्फ अजय कश्यप, गौरव भाटिया, वस्पी खान उर्फ वसीम चिकना और जीशान खान उर्फ जावेद खान। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बांद्रा में सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हमला करने से पहले इन 4ों शूटरों ने सलमान के पनवेल वाले फार्म हाउस पर हमला करने का प्लान बनाया था और इसके लिए अगस्त 2023 से लॉरेंस का शूटर अजय कश्यप और उसके कई साथी पनवेल इलाके में रहने लगे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 26 नवंबर 2023 को पनवेल और कलम्बोली इलाके में सलमान खान को मारने की साजिश की सूचना पुलिस को मिल गई थी। जांच के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई गुर्गों के नाम भी सामने आए। इसके बाद पुलिस ने कई टीमों को लगाकर अपनी जांच शुरू की। इसी दौरान पाकिस्तान से हथियार मंगाए जाने की भी जानकारी सामने आई। खबर ये भी है कि सलमान के फार्म हाउस और उनकी गाड़ी पर हमले को अंजाम देने के लिए लॉरेंस गैंग के अजय कश्यप ने पाकिस्तान में बैठे हथियार डीलर डोगर से वीडियो कॉल पर AK-47, AK-92 और M16 जैसे घातक हथियार भी देखे। बातचीत के बाद ये तय हुआ था कि हथियारों की रकम का आधा हिस्सा एडवांस में और आधी रकम डिलीवरी के बाद दी जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान में बैठे डीलर ने कहा कि वो जहां चाहें उन्हें हथियार वो डिलीवर कर सकता है। जिस पर अजय कश्यप ने कहा था कि उसके शूटर नवी मुंबई, मुंबई, ठाणे समेत कई इलाकों में तैयार बैठे हैं और लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड और रोहित गोदारा का आदेश मिलते ही सलमान खान पर हमला कर देंगे। इन्हीं सबूतों के आधार पर 24 अप्रैल 2024 को नवी मुंबई पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की, जिसके बाद पनवेल और कलम्बोली के इलाकों में निगरानी रखने की प्रक्रिया पुलिस ने शुरू की। इस दौरान सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी कर रहे लॉरेंस के 4 शूटरों को नवी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्लान के तहत पनवेल फार्म हाउस में सलमान को मारने के बाद सभी शूटरों को भागकर कन्याकुमारी पहुंचना था और वहां से शूटरों को अनमोल बिश्नोई श्रीलंका भेजने वाला था और श्रीलंका पहुंचने के बाद जिन शूटरों को सलमान खान को मारने की जिम्मेदारी थी उन्हें किसी और देश में भेजने की योजना थी। इस मामले में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को मुख्य आरोपी बनाया है, जबकि पुलिस के FIR में गोल्डी बरा, रोहित गोदारा समेत 18 से ज्यादा आरोपियों के नाम शामिल हैं।